हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं संभाग स्तरीय जो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, चाहे जीव विज्ञान का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे गणित का हो या अन्य सब्जेक्ट का हो, ओके। तो इसके रैंक के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि रैंक जो दिया है वो है क्या चीज़, ओके। हम बात कर रहे हैं वर्ग दो के शिक्षक के बारे में, ओके। सहायक शिक्षक के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, उसके रैंक के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट पर बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जो कि शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे इसी को लेकर, ओके। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। हाँ, ये ई कैडर और टी कैडर का आपको शो हो रहा है, ठीक है। एक संभाग को समझते हैं, फिर टी कैडर ई कैडर के किसी भी संभाग को आप समझ सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल रैंक यहाँ पर दिया गया है 1027, ठीक है। ये 1027 वह रैंक है जो पूरे छत्तीसगढ़ के जितने लोगों ने वर्ग दो के लिए, मान लेते हैं कि ये मैथ का टीचर के लिए है, ठीक है। ये जो मैं कैंडिडेट लिया हूँ वो मैथ्स ग्रुप से बिलोंग करता है। आप बायोलॉजी से हो सकते हैं, इंग्लिश से हो सकते हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ से जिन्होंने भी मैथ से एग्जामिनेशन दिया है वर्ग दो के लिए, वो सारे लोग, जितने लोगों ने बिलासपुर ई समारोह को सेलेक्ट किया था, उनमें से इस व्यक्ति का रैंक 1027 है। मतलब ये स्टेट से है, ओके। और जो कैटेगरी रैंक दिया गया है तो वही फिर जितने लोगों ने डाला था कैटेगरी, मान लेते हैं कि ये जो बंदा है जिसका मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो एसटी कैटेगरी से या फिर मान लेते हैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका पूरे स्टेट में इस ई कैडर में मैथमेटिक्स वर्ग में 63 कैटेगरी रैंक प्राप्त किया है उसने, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि आप महिला हैं, तो महिला फीमेल रैंक मान लेते हैं कि यहाँ 72 आ रहा है, ओके। या फिर कुछ भी यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 आ रहा है, ओके। ये महिला रैंक है और महिला फीमेल रैंक में मान लेते हैं 40 आ रहा है। तो ये जो 50 है ये मैथमेटिक्स के लिए हम समझते हैं इसको, तो जितने पूरे छत्तीसगढ़ से जितने महिला लोगों ने, एससी लोगों ने, हम इसको एससी कैटेगरी से मान रहे हैं और मैथ्स वर्ग दो के लिए मान रहे हैं, ओके। तो जितने महिला लोगों ने एससी संवर्ग से एससी संवर्ग से मैथ्स का एग्जामिनेशन दिलाया है तो उसमें से आपका रैंक 40 है, ठीक है, महिला फीमेल कैटेगरी रैंक में, ठीक है। और जितने महिला लोगों ने इस बिलासपुर इस संवर्ग में दिया है उसमें से आपका रैंक 50 है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसकी रैंक की बात, कुल मिलाकर एकदम आसान है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसको समझने का प्रयास कीजिए जो मैंने आपको बोला है, ओके। अब ये है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपात्र होने वाले हैं, है ना। कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस है। और अभी आपने वैधता का रिजल्ट सूची देखा होगा जिसमें बताया गया है कि इतने अपात्र थे, इतने अब्सेंट थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में ऐसा चीज़ फ़र्क देखने को मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो वर्ग एक ज्वाइन करेंगे और उनका वर्ग दो में भी आ रहा है, वर्ग तीन में भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से वर्ग दो ज्वाइन करेंगे। प्रयोगशाला में कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग ऐसे विदाउट क्वालिफिकेशन के ही एग्जामिनेशन दे दिए हैं, है ना। और कई लोग तो डीएड नहीं किए हैं, वो लोग भी एग्जामिनेशन दे दिए हैं। बहुत सारे लोग आर्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी एग्जामिनेशन दे रखा है, ठीक है। और भी कई तरह के आपको देखने को मिलेगा इसमें, जब वेरिफिकेशन होगा और उस समय पात्र अपात्र सूची आएगी, उस समय दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ठीक है। तो इसके लिए धैर्य बनाए रखें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये निश्चित रूप से जो आप देख पा रहे होंगे, जो रैंक देख पा रहे होंगे, वो डेफिनेटली आपको बदल जाएगा। अब आपको एक समस्या हो सकता है कि बिलासपुर में ओवरऑल रैंक 1027 है जबकि यहाँ पर 1033 है, ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बिलासपुर ई संवर्ग में फॉर्म डाला होगा और इसमें नहीं डाला होगा, या फिर दुर्ग में ज़्यादा डाले होंगे, बिलासपुर में कम डाले होंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये
ये डिफरेंस आया हुआ है। ओके, तो एकदम आसान है इसको, और घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप सेफ जोन में हैं। अगर आपको लगता है, वैसे भी आपको, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन एक बार देख लेनी चाहिए और वहाँ पदों की संख्या देख लेनी चाहिए, आप उसके बाद खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा।